किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी को मिले सिर्फ 1170 वोट। सरकार को घेरने वाले गुरनाम चढ़ूनी क्यों रह गए फिसड्डी? क्यों गुरनाम चढ़ूनी 1170 वोटों पर ही सिमट गए? जी हां, संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाने के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चुनाव लड़ने की ठानी और कुरुक्षेत्र जिले की पिहुआ सीट पर भर दिया पर्चा। लेकिन यहां जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला रहा। ये सीट कांग्रेस ने अपने नाम तो की, लेकिन यहां से बीजेपी उम्मीदवार के साथ साथ गुरनाम चढ़ूनी को भी करारी हार मिली है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी केवल 1170 वोटों पर ही सिमट गए। एक ओर जहां बीजेपी को किसान नेता किसान विरोधी सरकार बताते रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता ने बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा दिया। चढ़ूनी को मिले 1170 वोट की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या किसान नेताओं का चुनाव लड़ना सही नहीं है? आखिर क्यों पिहोवा की जनता ने चढ़ूनी को इस चुनावी रेस से बाहर ही धकेल दिया, जबकि गुरनाम चढ़ूनी जीटी रोड बेल्ट में ही आंदोलन करते रहे हैं, धरने देते रहे हैं। गुरनाम चढ़ूनी को 1170 वोट मिलने के पीछे का क्या कारण आपको लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।